जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीआरओ मल्टी स्किल्ड वर्कर सिलेबस 2019 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस वीडियो में चेक करने वाले हो या फिर देखने वाले हो, वो पूरी तरीके से ऑफिशियल होगा, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न ऑफिशियली इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से लिया जा रहा है जो कि बीआरओ की तरफ से जारी किया गया है। तो आप इस एग्जाम पैटर्न से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो इसका पहला पॉइंट है वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन ईच कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। बीआरओ की एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि जितने भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं उसके 10 गुना ज़्यादा लोग सिलेक्शन के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें कि आखिरकार सिलेक्शन 540 लोगों का होगा। तो इसमें जैसे कि आपकी पोस्ट 540 है तो इसके 10 गुना जो होते हैं वो होते हैं आपके 5400, तो 5400 कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए बुलाए जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति होती है कि जो इन्होंने डिसाइड किया है कि 5400 कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, पर अगर फिर इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर लेते हैं कि जो 5400 उसका कोटा पूरा होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट बचते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे, ये एक परसेंटेज के माध्यम पर कट ऑफ जारी करेंगे। जो लोग उस कट ऑफ को पार कर जाएंगे फिर उन लोगों को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, और ऐसा इन्होंने इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। अगर आप इसको रीड करोगे तो आप समझ जाओगे। अब दोस्तों जानते हैं बेसिकली सिलेक्शन के बारे में कि आपका सिलेक्शन कितने राउंड के अंदर किया जाएगा। दोस्तों पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जो लोग इन दोनों टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे उनका फिर रिटन टेस्ट होगा, और सबसे बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर क्या होगा और रिटन टेस्ट में क्या होगा। तो जानते हैं सबसे पहले फिजिकल इफेंसी टेस्ट के बारे में। कैंडिडेट्स विल अंडरगो फिजिकल इफेंसी टेस्ट एंड कैंडिडेट्स दोज हु पास इन फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड टू अटेंड द फर्दर टेस्ट। यानी कि पहले आपको फिजिकल जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप फिजिकल इफेंसी टेस्ट दे पाओगे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट इसमें क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। कैंडिडेट्स विल अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट वैन एवर एप्लीकेबल, यानी कि जब भी आपसे लिया जाए, एंड दो जो क्वालिफाई इन प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट विल ओनली बी अलाउड टू अटेंड रिटर्न टेस्ट। यानी कि जो लोग इस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे वही लोग रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, आगे मैं आपको रिटर्न एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और यहाँ से तो अभी मैं आपको इसके पॉइंट भी बताने वाला हूँ कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर विल बी आंसर्ड इन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आप आंसर कर पाओगे वो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट से ही कर पाओगे, जो कि आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। नो वर्क इन पेंसिल इज अलाउड, यानी कि पेंसिल को आपको वहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा। एनी डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑन आंसर शीट विल रेंडर द कैंडिडेट एज डिस्क्वालीफाइड, यानी कि आपको आंसर शीट के ऊपर कोई भी जानकारी नहीं लिख ली है नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ एंड लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन प्रटेंडिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल आर्थमेटिक, एनालिटिकल एंड क्वांटिटिव स्किल्स सिलेबस मैंसनड एज अपेंडिक्स ही। यानी कि जो आपके एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे वो आपने यहाँ पर अभी रीड किए हैं। एंड दोज सब्जेक्ट कवर्ड एज पार्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, वही आपके यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि ये तो आपके मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो आपका पोस्ट है ड्राइवर की, इसमें जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिसका अभी आपको पता आगे जो इसका एग्जाम पैटर्न दिया है अपेंडिक्स ए के अंदर वहां पर लगने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल, यानी कि जो आपका एग्जाम पेपर रहेगा वो बिलिंगुअल रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहते हो कर सकते हो। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन मे वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 3 आवर, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 1 से 3 घंटे के बीच का समय दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड, यानी कि ट्रेड के आधार पर कि किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किस ट्रेड का एग्जाम दे रहे हो। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी ओएमआर बेस्ड, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो ओएमआर बेस्ड होंगे। एंड द सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड इन द आंसर शीट, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको आंसर शीट में देना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने रखे हैं।
मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर यू आर ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी कैटेगरी इज 50% एंड फॉर एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर नीचे से फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ कि कैसा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको रीजन वाइज बताया कि किस रीजन के लिए कैसा फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने तय किया है। तो पहला जो आपका रीजन है वह है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जो कि कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर इन रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर है और चेस्ट बिना फुलाई 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 80 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है और मिनिमम वेट 47.5 यानी कि 47.5 किलो रखा गया है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, चेस्ट इनके लिए भी 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 80 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए और वेट इनके लिए भी इतना ही रखा गया है। वेस्ट प्लेन रीजन के लिए जो कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं इनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर 0.5 रखी गई है और चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है और आपका वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए। और जो लोग ईस्टर्न प्लान सेंट्रल रीजन और साउथर्न रीजन से बिलोंग करते हैं इनके लिए भी हाइट सेम रखी है और चेस्ट भी सेम रखी है और वेट भी सेम रखा गया है। गोरखाज इंडियन डोमिसाइल के लिए जो हाइट रखी है 152 सेंटीमीटर है और चेस्ट और जो आपका वेट है वो भी सेम रखा गया है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आपको आगे की जानकारी देता हूँ जो कि है आपकी मेडिकल टेस्ट के बारे में। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसा आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, विजुअल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए जनरल रिक्रूट्स के लिए और बाकी की जानकारी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में जो कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो। दोस्तों यह आपका पूरा एग्जाम पैटर्न जहां पर इन्होंने बताया कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आपका ट्रेड मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक जो कि आपकी ग्रुप सी की पोस्ट के तहत आती है। फिजिकल 1 माइल रन, आपको फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें सिर्फ आपको पास होना है, यानी कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब दूसरा आपका आता है प्रैक्टिकल टेस्ट, मिनिमम 40% रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर रिटन एग्जाम। इसमें आपको कम से कम 40% चाहिए एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने में, यानी कि अगर आपको एग्जाम देना है तो यहां पर आपको कम से कम 40% लानी होगी तभी आप एग्जाम दे पाओगे। इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक इंजन, यानी कि स्टैटिक इंजन के आपको इंजन पार्ट्स को यह बता करके कि इस पार्ट का नाम यह है और इस पार्ट का नाम यह है, यही आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर आप इसको ट्रेड टेस्ट बोलते हो रहने वाला है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स ल्यूब्स, आपको इसमें ऑयल्स और ल्यूब्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा ऑयल है और कौन सा ल्यूब्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स इक्विप्ड, यहाँ पर आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन देना है कि ये क्या है और ये क्या है, ये आपका 25 मार्क्स के लिए रहने वाला है। अब जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट कैसा रहने वाला है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये टोटल 100 मार्क्स के लिए रहेगा। ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन जनरेटर सेट कंसंट्रेट मिक्सचर, ये आपका इसमें लिया जाएगा, ऑपरेशन कराया जाएगा, यानी कि आपको उस सामान को खोल करके दोबारा बांधना होगा, उसे ही ऑपरेशन बोलते हैं। चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन जनरेटर सेट कंसंट्रेट मिक्सचर, ये आपको करना होगा। इसके अलावा यूज ऑफ फ्यूल्स ऑयल्स ल्यूब्स इन स्टैटिक इंजन्स, ये भी आपको इसी के अंदर रिटन टेस्ट के चेक करना होगा। जनरल नॉलेज, और ये भी आपका रहने वाला है, और जो आपके अन्य सब्जेक्ट थे जिनमें से आपके जनरल नॉलेज या फिर अन्य क्वेश्चन आ सकते हो तो आपने पहले ही चेक कर लिए, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर 8 पॉइंट के अंदर बताए थे, जो कि मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। तो यहाँ पर आपने अभी रीड किया था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये ऑफिशियल है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, दी क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ एंड लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अर्थमेटिक एनालिटिकल एंड क्वांटिटिव स्किल्स, सिलेबस मैंसनड एज अपेंडिक्स ए। तो ये आपने यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। बेसिकली जो आपके एग्जाम का मेन एग्जाम पैटर्न रहेगा वो आपने अभी वीडियो में देख लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, साथ ही इसमें जो मेन पॉइंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों बस यही थी आपकी जानकारी जो कि आपने जान ली है। इसमें मैंने आपको सभी पॉइंट्स के बारे में बता दिया कि कैसा इसका एग्जाम पैटर्न, कैसा सिलेबस रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और
कैसा आपका एग्जाम पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।